हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो वेब इंडिकेटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले फीचर्स के साथ में आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके क्या क्या फीचर्स है वो हमको आपको डिस्क्राइब करते हैं। ये अपनी तरह का एक फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ सिस्टम है इंडिया में, जिसमें साथ में वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ में आपको मिलता है। मशीन को स्टार्ट करते हैं, इसके बाद अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी जगह आप कोई भी मोबाइल का हॉटस्पॉट भी यूज में ले सकते हैं। सिस्टम के साथ में आप एग्जिस्टिंग जो GSM मॉड्यूल वाले सिम बेस्ड SMS का फंक्शनलिटी रहती है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, और कई सारे नए फीचर्स इसमें साथ में जाते हैं। मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। हम लोग एवरेज पे वेट रखते हैं, वेट आने बाद में RST जनरेट करते हैं, फर्स्ट वेट जनरेट करके चेक करते हैं। ये हमारा फर्स्ट RT हो गया। हम लोग प्रिंट या सेव भी कर सकते हैं। ये RST जनरेट हो गया, आप इस पर देख रहे हैं मोबाइल पे 117 से 118 हो गया है। अभी एक RST और एडिट करते हैं। टेर या ग्रोस कुछ भी कर सकते हैं, प्रिंट या सेव भी कर सकते हैं। वन एटीन से 119 हो गया, एक RST और जनरेट कर देते हैं। आप देख रहे हैं इंस्टेंटली अपने एप्लीकेशन के अंदर डाटा सेव हो रहा है। किसी भी टिकट्स पे हम जाकर चेक करते हैं। जितने भी आपके पास में सारे टिकट जनरेट किए हुए हैं, आपको सारे डिटेलिंग इस पे आपको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर आप सर्च का बटन दे रखा है, इससे RST व्हीकल किसी भी फिल्टर से आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। जो आपकी डिटेलिंग है, किसी भी टिकट को ओपन क्लिक करेंगे आपका पूरा व्यू मिलता है। आपने जो टिकट जनरेट किया उसका फर्स्ट वेट, सेकंड वेट, व्हीकल टाइप, चार्जेज, लोकल RST नंबर क्या है, पार्टी नेम एक्सेट्रा क्या है, वो सारा डिटेलिंग आ रहा है। इसको आप मेल भी कर सकते हैं, नीचे आप देख रहे हैं टैब में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं। जैसे शेयर में हम लोग करना है तो आपको इसको व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाता है, व्हाट्सएप पर इसको EasyView में शेयर कर सकते हैं। बाकी अदर्स ऑप्शन भी दे रखे हैं। प्रिंट करना चाहें डायरेक्टली, आप जो प्रिंटर आपके वाईफाई से कनेक्टेड ऑलरेडी अगर किया हुआ है या लोकली आपका लैन से जुड़ा हुआ है तो उसको भी आप प्रिंटर से कनेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको एक्सेल, एज एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सारी रिपोर्ट को आप मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। रिपोर्ट्स में जाके अब जो RST वाइज अपन जो भी फिल्टर के यूज करके एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट आपको एक्सेल और PDF का ऑप्शन आता है, उसमें जाके आप पूरी रिपोर्ट को ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सेल में एक्सपोर्ट किया है, यहाँ मैं ओपन करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं पूरी रिपोर्ट आपको एक्सपोर्ट में एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया। आपको अलग से USB पेन ड्राइव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें एक ऑफलाइन का फीचर भी दिया हुआ है। अगर स्केल आपका IT आपको एक दो दिन चार दिन के लिए अगर ऑफलाइन में भी रहता है, वहाँ पे कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर नहीं है, उस कंडीशन में भी आपके सारे टिकट्स सेव रहते हैं मेमोरी में। जब भी आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टार्ट होगा सारे टिकट आपके मोबाइल पे आपके एप्लीकेशन में आ जाएंगे। उससे फर्स्ट वाले सिस्टम से में ऐसा रहता था कि जब आपका नेट या जब मोबाइल का टावर कनेक्टिविटी नहीं रहता था तो उस टाइम के जितने भी SMS वो छूट जाते थे, केवल SMS जो कनेक्टिविटी के टाइम ही रहते थे वही आपको मिल पाते थे। इसमें वो फीचर को हम लोगों ने एनहांस कर दिया है। आपका ऑफलाइन मोड पर भी जो भी टिकट सेव होते हैं उनका आपको भी डाटा पूरा, जब भी आपका कनेक्टिविटी रहेगी, जब भी आपको वापस रिट्रीव हो जाएगा सर।